आत्मनिर्भर राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी रविवार को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये लगातार पांचवा दिन है जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निर्मला सीतारमण शुरुआती चार दिनों तक शाम 4 बजे मीडिया से विभाषित हो रही थी, लेकिन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुबह 11 बजे रखा गया। जाने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीबों को क्या मिला। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश किया गया है। कुल 20 करोड़ जनधन खातों में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए हैं। 8.19 करोड़ किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए। उन्होंने बताया कि सरकार गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचा रही है, खाना पहुंचा रही है। उज्ज्वला के तहत फ्री सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि ट्रेन से मजदूरों की यात्रा का 85% केंद्र सरकार दे रही है, 15% राज्य सरकारें, उन्हें खाना भी दिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि मनरेगा के तहत आवंटित रकम में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया, इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत पहले बजट अनुमान 61,000 करोड़ था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।